हेलो फ्रेंड, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं ऑल हिंदी मी हेल्प यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि आप SEO फ्रेंडली पोस्ट कैसे लिखेंगे। अगर आपके पास ब्लॉग वेबसाइट है और जानना चाहते हैं गुड कंटेंट कैसे लिख के जाते हैं अपने ब्लॉग पे, जिससे कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक आए और आपकी वेबसाइट रैंक हो जाए, तो इस वीडियो को देखते रहिए। साथ में मैं आपको बताऊंगा कि पोस्ट लिखने के बाद से कहाँ कहाँ पर हम शेयर कर सकते हैं, जिससे कि हमको बैकलिंक्स भी प्राप्त हो और साथ में हमारी वेबसाइट पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्राफिक आए। तो इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिएगा। ये वीडियो बनाने का यही मकसद है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले कि मैं पोस्ट कहाँ पर शेयर करता हूँ और मैं पोस्ट कैसे SEO फ्रेंडली लिखता हूँ। देखिए, बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है जब आप पोस्ट लिखते हैं, जैसे कि टाइटल, टैग, परमालिंक, डिस्क्रिप्शन और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, कीवर्ड रिसर्च, कीवर्ड डेंसिटी। तो मैं आपको दिखाऊंगा फ्रेंड। देखिए, मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, मेरे पास एक ब्लॉग पोस्ट है, आप देख सकते हो, मूवी रिव्यू या फिर मूवी जो वेबसाइटें लीक करती है उसके बारे में। यहाँ पे मैं कंटेंट लिखता हूँ और कंटेंट आप देख सकते हो पूरा का पूरा इंग्लिश में होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एक मेरी वेबसाइट है। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा फ्रेंड कि आप कैसे यहाँ पर जो रिव्यूबिलिटी स्कोर आप देख सकते हो गुड है, SEO स्कोर गुड है, तो आपको किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, कौन से सेंटेंस को आपको बोल्ड करना चाहिए, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियो मिस ना हो, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन अलाउ कर दीजिए ऑल पर क्लिक करके, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको कंटेंट कैसे लिखना है। देखिए, कंटेंट लिखने के लिए सबसे पहले जिस भी वेबसाइट के कोई भी आपका कंटेंट हो, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, आपको एक टाइटल देना है, इसको टाइटल बोलते हैं। और टाइटल आपको अच्छा है, यूनिक देना है, जो कि गूगल यूजर सर्च करते हो। देन उसके बाद से ये टाइटल है और यही आपका परमालिंक हो जाता है। आप देख सकते हो, सेम मैंने परमालिंक भी दिया है, इससे थोड़ा सा वेबसाइट रैंकिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है परमालिंक और टाइटल आपका सेम होता है। तो देन उसके बाद से आपको पोस्ट 300 यानी कि 300 वर्ड से ज़्यादा लिखना है। यहाँ पे मैं 600 वर्ड का लिखा हूँ, आप देख सकते हो, तो यहाँ पे 605 वर्ड का है, तो आप 600 वर्ड का यूज करें। अब यहाँ पे मैं कीवर्ड जो यहाँ पे मैं आपको यहाँ एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, मैं यहाँ पे वर्डप्रेस कीवर्ड टूल को यूज करते हैं। ये एक प्रीमियम में $17 का मैंने एक प्लगिंग टूल लिया है। अभी आप देख सकते हो, मैं कीवर्ड रिसर्च यहाँ से करता हूँ, मुझे टैग यूज करना होता है या फिर मैं इससे रिलेटेड, आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे टैग आ जाते हैं, सेलेक्ट करना होता है और यहाँ पे बस ऐड टैग कर सकते हैं, वॉच डेंसिटी और यहाँ पे शो एज ए लिस्ट, बहुत सारे ऑप्शन हैं। और आप यहाँ से कीवर्ड भी निकाल सकते हो, डेंसिटी आप यहाँ से चेक कर सकते हो, नीचे आपको यहाँ पे डेंसिटी आपको दिखाएगा और ऐड टैग यहाँ से कर सकते हो। ये सारा मैं टैग यूज किया हूँ, आप देख सकते हो, दबंग 3 मूवी डाउनलोड, दबंग 3 मूवी डिटेल रिव्यू, ऐसे करके जो भी मैंने लिखा है। देन उसके बाद से आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए मूवी के बारे में, देखिए तमिल डॉकर रिसेंटली द मूवी, अपकमिंग मूवी सलमान खान दबंग 3 लिख कर दिया है इस वेबसाइट पे। और यहाँ पे देख सकते हैं ये हेडिंग है, हेडिंग H2 है, उसके बाद से जितने भी हेडिंग आएंगे आपके H3 आ जाएंगे। तो हेडिंग के साथ आपको पोस्ट लिखना है। अगर आप पोस्ट बनाते हो तो पहले वर्ड में लिखो, ये देख सकते हो कैसे लिखे गए। इसके बाद से इसके अंदर आपकी दूसरी वेबसाइट का इंटरनल लिंक लगाइए, यहाँ पे लगे हैं आप देख सकते हो, तो अपनी दूसरी वेबसाइट का पोस्ट का लगाइए। देन उसके बाद से आपको एक हेडिंग बनाना है, हेडिंग के बारे में लिखिए, सो सब हेडिंग बनाइए यहाँ पे, यानी कि H3 हमने यूज किया है। अब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे यूजर होते हैं जो 2000 वर्ड के या फिर 1000 वर्ड के लिखते हैं, बट हेडिंग नहीं होता है, पैराग्राफ नहीं होता है, बोल्ड नहीं होते हैं, कुछ जो मेन सेंटेंस होते हैं वो बोल्ड नहीं होते हैं, तो ये थोड़ा सा दिक्कत करता है। आपको बोल्ड कर देना है, इटैलिक कर देना है जो मेन आपका सेंटेंस है, जिससे कि लगे कि पोस्ट इससे रिलेटेड है और पोस्ट में मेन कंटेंट आपका क्या है। आपको इमेज अपलोड करना है, इमेज अपलोड करने के बाद से आप यहाँ पे अल्ट टैग लगा सकते हैं, अल्ट टैग यूज कर सकते हैं इमेज पे। अब यहाँ पे नीचे आना, नीचे आने के बाद से यहाँ पे फोकस कीवर्ड डालना है। अभी आप देख सकते हो फोकस कीवर्ड मैंने क्या क्या यूज किया है, अभी देख सकते हो, जो मैंने टाइटल यूज किया था वही मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, आप देख सकते हो। अब नीचे आना, नीचे आने के बाद से यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको प्रॉब्लम जो भी इम्प्रूवमेंट करने के लिए बोलेगा यहाँ पे आपको दिखाई देगा, तो आपको इम्प्रूव कर लेना है अपने टाइटल को। देन उसके बाद से यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे
एडिशनल कीवर्ड ऐड करना है, यही सब चीज़ें होती है। ऐसे ही आप ट्रेन करा सकते हैं। ये डेमो वेबसाइट के लिए मैं अपनी ये पोस्ट अपनी दूसरी वेबसाइट में ऐड करूँगा। तो यहाँ पे ये कीवर्ड रिसर्च के लिए, अब ये आपने पोस्ट लिख रखा है तो यहाँ पे आपको पब्लिश कर देना। बट मैं ये एक्चुअली क्या है कि ये हिंदी ब्लॉग है तो मैं इंग्लिश में कंटेंट इस पर नहीं डालता हूँ, मैं दूसरी वेबसाइट पे डालूँगा। जब आप कंटेंट लिख लेंगे तो आपको करना क्या, अब आपको अपनी वेबसाइट का जो भी आपका वेबसाइट है उसका यूआरएल कॉपी करना है और यहाँ पे क्योरा में शेयर करना है। इससे आपकी वेबसाइट पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्राफिक आएंगे और यहाँ से आपको बैकलिंक्स, फिर आपको पिंटरेस्ट पे शेयर करना है। यहाँ पे देख सकते हो, पिंटरेस्ट पे जा सकते हैं, पिन क्रिएट कर सकते हैं, ट्विटर पे जा सकते हैं, कुछ इस तरह से हैशटैग लगा के लिख सकते हैं। देन उसके बाद से आपको यहाँ पे ऑल फ्री थिंग एक वेबसाइट है .com, वहाँ पे डायरेक्टली सबमिशन कर सकते हैं, सबमिट योर वेबसाइट। तो यहाँ पे अपनी पोस्ट का URL सबमिट कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक चाहिए तो अपकमिंग मूवी के बारे में लिखिए, बहुत ही ज़्यादा आपको ट्रैफिक मिलेंगे। तो यहाँ पे ये मेरा एक डेमो वेबसाइट है, जैसे कि आपको पता है ऑल हिंदी में हेल्प ब्लॉगिंग से रिलेटेड है, तो मैं यहाँ पे इसको शेयर नहीं कर सकता हूँ। बट मैं जो चीज़ें आपको बताया हूँ ये बिल्कुल ऐसे ही मैं अपनी जो मूवी डाउनलोडिंग या अपनी मूवी रिव्यू के बारे में लिखता हूँ इंग्लिश में कन्वर्ट, तो यहाँ पे लिखता हूँ फ्रेंड। एक्चुअली वो वेबसाइट मैं शेयर नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ पे मैं आपको दिखाया हूँ कि मैं कैसे करता हूँ। ये प्लगइन मैं वहाँ पे भी यूज़ करता हूँ, वर्डप्रेस कीवर्ड टूल। इससे कोई भी कीवर्ड को हम फाइंड कर सकते हैं, आपको फ्री में भी बहुत सारे टूल्स मिल जाएंगे। या फिर ऑल हिंदी मी हेल्प .com पर जाइएगा और वहाँ पे टूल्स के बारे में, फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल के बारे में बताए हैं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे देंगे, आप वहाँ से जा सकते हैं। टॉप 5 फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल के बारे में बताए हैं, उसको एक बार देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो जैसा कि मैं आपको बताया हूँ, टाइटल परमा लिंक, इसको टाइटल परमा लिंक टैग आप यहाँ से निकाल सकते हैं। पोस्ट, पोस्ट के अंदर हेडिंग पैराग्राफ यूज करना है। देन उसके बाद से आपको इमेज ऑप्टिमाइजेशन करना है और यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरह से आपको ये आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो यहाँ पे एज ए डिस्क्रिप्शन। तो और यहाँ पे टाइटल में आप देख सकते हो, अभी मेरा टाइटल छोटा हो रहा था तो इसको लॉन्ग कैसे कर दिया आप देख सकते हो। आपको अपने हिसाब से गुड कंटेंट बनाना है, फिर आपको पब्लिश करना है। तो ये मेथड होता है आप SEO फ्रेंडली पोस्ट लिखने का, SEO फ्रेंडली आर्टिकल लिखने का। अब सारे चीज़ें मैं आपको बताऊँ यहाँ पे, और फेसबुक वगैरह पे शेयर करके बैकलिंक्स वगैरह पा सकते हो और अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक ला सकते हो। तो फ्रेंड यहाँ पे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो इस ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर नीचे कमेंट कर सकते हैं। वेबसाइट वगैरह बनवाना हो तो इस ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड।